दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख. फूल्स हैव एनिमीज. किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो. नफरत एक ऐसा जहर है, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार. अपनी कमी नहीं देखोगे कि हम बिखरे हुए थे, हम टूटे हुए थे. जब भी तुम हारो, जब भी तुम गिरो, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ कि यार हमसे गलती तो हो रही है. मां डालो, नफरत मत करो. इस देश में लोगों को बड़ी सारी जानकारियां सुन के होती हैं, सुन के. भैया मुसलमानों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए. अच्छा, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे खड़े होके? भाई महमूद गजनी अगर आता रहा होगा तो 50,000 लोग लेकर आता रहा होगा, बहुत आता रहा होगा. और तुम यहां 50 लाख, तो तुम खड़े होके देखते थे कि मजीरा बजाते थे कि ढोल लेके बजाते थे? 50 लाख लोग मिलकर पीट दिए होते उसको. अपनी कमी नहीं देखोगे कि हम बिखरे हुए थे, हम टूटे हुए थे. 1000 AD की जो किताब है सबसे प्रमुख, पृथ्वीराज रासो, उस सामंतवाद काल की जो सबसे प्रमुख किताब है चंद्रबरदाई की, उसकी एक लाइन है, क्यों निरपो होए हमें कहानी. कोई भी राजा हो, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है. 80% जनमानस सामंतवाद के नीचे दबी हुई थी, कुचली हुई थी, पीड़ा से गुजर रही थी. क्यों निरपो होए, क्यों निरपो होए हमें कहानी. कोई भी राजा हो, हम पर क्या फर्क पड़ता है. जब हमें पीड़ित ही होना है, सताया ही जाना है. वही चंद्रबरदाई लिखता है, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार. ये सामंतवादी काल में बाल विवाह क्यों शुरू हुआ, ये चंद्रबरदाई लिखता है. पृथ्वीराज रासो की लाइन है ये, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार. अपनी कमी तो कभी नहीं मानोगे, अपनी गलती तो कभी नहीं मानोगे कि यार हमसे गलती तो हो रही है. अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ. जब भी तुम हारो, जब भी तुम गिरो. हमारे मुस्लिम दोस्त कहते हैं, यहूदी हमारे आदिम काल से दुश्मन है. आदिम काल से? तुम 7th century से तो तुम्हारा इतिहास शुरू है, आदिम काल से कहां तुम्हारे दुश्मन है. दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख. फूल्स हैव एनिमीज. बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको, मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के काहे की दुश्मनी. और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं. जितने लोगों को तुम नफरत करोगे, उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे. और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा. किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो. किसी के विकास को रोकना हो, उसको नफरत करना सिखा दो. और 10 लोगों से सिखा दो. नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो. इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट. तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं. कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा. अंबानी जी ने एक बार कहा था कि मैं एक जेब में कांग्रेस और एक जेब में बीजेपी को लेकर चलता हूं. इसीलिए दुनिया में जो बड़े लोग हैं, जिनको आप VVIPs बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते. कभी हर शहर में 2 इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका. लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है. पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है. हाँ, वही. क्योंकि एरिस्टोक्रेसी और कॉमन आदमी में मूलभूत प्रिंसिपल के अंतर है. मैंने कहा ना, जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे. तिवारी के घर गन्ना पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुनकर. लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिया होता. जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ है. ये हमारे दुश्मन, वो हमारे, कोई दुश्मन है ही नहीं. समय है सर. यही यहूदियों को फ्रांस, रशिया, जर्मनी सबने प्रोसिक्यूट किया. और आज किसी की हिम्मत नहीं है. मां डालो, नफरत मत करो. और जिस दिन इस देश के जनमानस ने अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दिया, उस दिन इस देश को महानता से कोई नहीं रोक पाएगा. कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. जय हिंद.